नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पिछले महीने 29-30 अगस्त की रात से चीन पर होने वाली चढ़ाई ने पीएलए के पसीने छुड़ा दिए हैं। भारतीय सेना लगातार एक्शन मोड में चल रही है। पिछले 24 घंटे में भारतीय सेना ने चीनी सेना के पैरों तले से जमीन निकाल दी है। एलएसी से आई ताजा खबर के मुताबिक भारतीय सेना ने 30 से ज्यादा चोटियों पर अपना कब्जा कर लिया है, जहां पर भारतीय सेना मजबूत पोजीशन में आ गई है। भारतीय सेना द्वारा दो रात से चल रही आक्रामक कार्रवाई से चीन बुरी तरह से तिलमिलाया हुआ है। पार की जिन चोटियों पर सेना ने कब्जा किया है उनमें हनान, हेलमेट, गुरुंग हिल, गोरखा हिल, ब्लैक टॉप और मगर हिल बेहद महत्वपूर्ण है। यहां बैठकर भारतीय सेना चीन की एक एक गतिविधि पर नजर रख सकती है। ये वही चोटियां हैं जिन पर पहले किसी भी पक्ष का नियंत्रण नहीं था और यह इलाका नो मैन्स लैंड जोन में आता है। लेकिन जैसे ही चीन ने यथास्थिति बदली, भारत भी अब उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। भारत ने इन चोटियों पर कब्जा करके अपनी स्थिति चीन के मुकाबले बेहद मजबूत कर ली है। पेंगोंग के दक्षिणी किनारे पर भारत पहले ही अपनी पोजीशन जमा चुका है, पर इसी बीच जो चौंकाने वाली जानकारी आई है उसने भारतीय सेना की क्षमता दुनिया को दिखा दी है। भारत ने फिंगर 3 से आगे जाकर फिंगर 4 पर अपना कब्जा कर लिया है। यहां मौजूद चीनी सैनिकों को यहां से खदेड़ दिया गया है। उन्होंने जो अस्थायी पोस्ट बनाई थी, भारतीय जवानों ने उसे भी ध्वस्त कर डाला है। यह कार्रवाई परसों देर रात बड़े पैमाने पर की गई। इससे पहले इंडियन आर्मी फिंगर 3 और फिंगर 4 के बीच में आ गई थी। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने इस ऑपरेशन को आधी रात में अंजाम दिया है और फिंगर 4 को पूरी तरह से चीन से खाली करा लिया है। चीनी सैनिक अब फिंगर 5 पर जाकर बैठ गए हैं। बताया जाता है कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को फिंगर 8 तक का इलाका चीन से खाली कराने के मिशन पर लगाया गया है, जहां एसएफएफ को अपने शौर्य को साबित करके दिखाना है। दरअसल भारतीय सेना की सकारात्मक कार्रवाई के पीछे एक बहुत बड़ी रणनीति काम कर रही है। अगले महीने इस इलाके में सर्दियां शुरू होने वाली है। सर्दी के मौसम में यहाँ का तापमान 0 से 30 डिग्री नीचे चला जाता है। इस दौरान यहाँ पर ज्यादा सैनिक बनाए रखना भी बड़ी चुनौती है। पिछले साल इस इलाके में करीब 15,000 सैनिक मौजूद थे, मगर आज की घड़ी यहाँ पर 60,000 से ज्यादा सैनिक तैनात किए जा चुके हैं। खास बात यह है कि एक साल तक जिन जगहों पर सैनिक तैनात रहेंगे वह उसी का हिस्सा मान लिया जाएगा। इसलिए भारतीय सेना पूरे सितंबर के महीने अपना दावा ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कर लेना चाहती है। इसका मतलब यह है कि इससे पहले कि चीन कोई दूसरी हरकत करे, भारत नो मैन्स लैंड जोन में कब्जे की कार्रवाई को और गति देने जा रहा है। भारतीय सेना की सकारात्मक कार्रवाई ने चीन की सारी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया है। चीन को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि भारत की तरफ से इतनी आक्रामक कार्रवाई भी हो सकती है, परंतु स्थिति यह है कि पीएलए के सैनिक जिस चोटी की तरफ बढ़ते हैं वहीं पर उनका सामना भारतीय सैनिकों से हो रहा है। यानी एलएसी के सभी सामरिक ठिकानों पर इंडियन आर्मी अपनी पैठ बना चुकी है। केवल इतना ही नहीं, भारत उन ठिकानों पर भी कार्रवाई कर रहा है जिन पर चीनी सैनिक अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। फिंगर 4, रेजांगलो और रैकिनलो को चीन के हलक से हाथ डालकर भारतीय सेना पहले ही निकाल चुकी है। इन दर्रों पर लगाए गए चीनी कैमरों और उपकरणों को भी पेंगोंग झील में जल समाधि दे दी गई है। पर यह इतना आसान नहीं है जितना कि दिखाई दे रहा है। भारत जवान अपनी जान की बाजी लगाकर यह मिशन चला रहे हैं। इस बार अगर कोई झड़प हुई तो जंग का बिगुल बजने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। ईस्टर्न लद्दाख का यह इलाका तनाव के चरम पर पहुंच गया है। यहां किस वक्तों पर गरजने लगे अब कहना बिल्कुल मुश्किल है। इस वक्त दोनों देश युद्ध के लिए आमने सामने हैं। दोनों तरफ किसी भी संघर्ष के लिए सेना को तैयार कर दिया गया है, मगर भारतीय सेना इस बार 1962 के बदले के लिए सर्वश्रेष्ठ बन चुकी है। यह भारतीय सेना के पराक्रम का ही कमाल है कि चीन लगातार बातचीत की गुहार लगा रहा है। इन चोटियों पर कब्जे के बाद भारत का पलड़ा चीन से भारी हो गया है। इस वक्त भारत चीन से खुलकर सौदा कर सकता है, जबकि गलवान की खूनी झड़प के बाद भारत की स्थिति काफी कमजोर थी। लेकिन भारतीय सेना ने पूरी बाजी पलटकर चीन को पटखनी दे दी है। चीनी सेना भी इस कदर दहशत में है कि उन्होंने पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है। पीएलए को डर है कि भारतीय सेना उत्तरी किनारे पर कब्जे के लिए सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे सकती है। इसके लिए पीएलए ने अपने सभी जवानों को 24 घंटे अलर्ट रहने का हुक्म दिया है। सूत्र बताते हैं कि भारत का अगला टारगेट यही इलाका हो सकता है। भारतीय सेना चीन को यहां से खदेड़कर अपना अधिकार कर लेना चाहती है, ताकि पेंगोंग का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा भारत के अधिकार में आ सके। चीन के लिए 134 किलोमीटर लंबी पेंगोंग झील बचाना बड़ी चुनौती बन गया है। इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में स्थित है, जबकि 90 किलोमीटर का क्षेत्र चीन में पड़ता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा इसी झील के बीच से गुजरती है। इस झील का पश्चिमी भाग भारत के नियंत्रण में आता है, जबकि शेष हिस्सा चीन ने कब्जा किया हुआ है। इस वक्त भारतीय सेना की दृष्टि में बाकी की 90 किलोमीटर पेंगोंग झील खटक रही है। ये एक बड़ा लक्ष्य है, मगर भारतीय सेना के पराक्रम के सामने यह कुछ भी नहीं है। मगर चीन की तरफ से खतरा सिर्फ लद्दाख में ही नहीं है,
बल्कि भारत के पूर्वी हिस्से सिक्किम और अरुणाचल में भी चीन सिर उठा रहा है। वायु सेना प्रमुख आर के भदौरिया यहाँ का दौरा करके सेना की तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। कहने वाले तो यही कहते हैं कि चीन यहाँ पर दूसरा फ्रंट खोलने की कोशिश में है, पर हकीकत इसके ठीक उलट है। चीन बचाव की मुद्रा में पूरी तरह बदहवास है। उसे डर इस बात का है कि कई भारतीय इलाकों में आगे ना बढ़ जाए, यानी रणनीति बदल चुकी है। भारत सेना वही काम कर रही है जो अब तक पीएलए करती रही है, यानी चार कदम बढ़ाओ, बाद में दो कदम पीछे हटाकर पक्की लकीर खींच दो। चीन ने आगे बढ़ने की बजाय भारतीय सेना को रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, मगर इसके बावजूद भारतीय सेना लगातार चीन की छाती पर चढ़ी जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पूर्वी इलाकों में भारत की मौजूदगी चीन से पहले है। चीन भारतीय सेना से उत्पन्न किसी खतरे की वजह से यहां सैनिक तैनात कर रहा है, यानी मोदी सरकार की इतनी जबरदस्त और चौंकाने वाली कूटनीति में चीन बुरी तरह फंस चुका है। रूस में चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगे राजनाथ सिंह से मुलाकात के लिए घोंगे की तरह बीन बजा रहे हैं। संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने पहुंचे राजनाथ सिंह से उन्होंने मिलने का समय मांगा है, यानी इस बात से साफ संकेत मिलते हैं कि इस वक्त चीन की हालत पस्त हो चुकी है, जबकि भारत शेर बना मजे से विचरण कर रहा है। पर मोदी है कि अभी भी पूरी तरह खामोश है। दुनिया अचंभे में है कि यह ग्लोबल लीडर न जाने क्या गुल खिलाने की फिराक में है। वैसे भी मोदी इस बार चीन को देने वाले कुछ भी नहीं है। 224 चाइनीज ऐप पर डिजिटल स्ट्राइक करके मोदी ने चीन को बड़ा जख्म पहले ही दे दिया है। खबर है कि चीन ने रूस के आगे गुहार लगाई है कि वह भारत को चीन पर की जा रही आक्रामक कार्रवाई करने से रोक दे। चीन ने भारत को जो धमकी देने का प्रोपेगेंडा चलाया था उसकी हवा पूरी तरह निकल चुकी है। उल्टा भारत ही अब चीन पर हावी होता जा रहा है। रूस के सामने चीन ने दोनों देशों में समझौता कराने का अनुरोध किया है। वैसे भारत पहले ही अपने मित्र देशों को चीन की कारगुजारियां बता चुका है, इसलिए रूस भारत के साथ खड़ा है। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि चीन को अप्रैल 2020 वाली स्थिति में लौटना होगा। इससे कम पर समझौता होने का सवाल ही नहीं उठता है। चीन इस शर्त को मान लेगा ऐसा मुश्किल ही लगता है। इसलिए अगर दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात होती भी है तो उसके कुछ नतीजे निकलने की उम्मीद कम ही है। अब मामला एलएसी पर घमासान के बाद ही तय होने की उम्मीद है, जहां दोनों देशों की सेनाएं जंग के लिए अपने अपने हथियारों को धार दे रही है। चीन जरूर रेकड़ी दिखा रहा है, मगर भारत के भीतर 1962 के जख्म अभी तक हरे हैं। इस दफा इन जख्मों को चीन को चित करके ही भरा जाना है। चीन की दादागिरी ताइवान, वियतनाम, बुर्नई, इंडोनेशिया या फिलीपींस जैसे देशों पर ही चल सकती है। भारत ऐसे दादाओं की गर्दन मरोड़ना भी जानता है, और उनका गरूर तोड़ना तो भारत के लिए बाएं हाथ का खेल है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।